तो ये फोन आ गया था जरा सा, तो फोन आ गया था लगी तो ये दोबारा से आ गया, गड़बड़ हो जाएगी जरा आवाज में क्योंकि तो आगे पीछे हो गई है। फोन आ गया, फोन सुनने लगी। इधर गोभी में मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्च नमक धनिया वगैरह सब, और इसे अच्छे से और भून लूँगी। रायता मैंने सोख लिया है और बस अब हल्की सी पानी डाल के और इसे मैं ढक के रख दूँगी। बस ये गोभी हो जाएगी तो बस इसी तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से गोभी बना के देखना, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे खिली खिली गोभी पसंद है और इस तरीके से बिल्कुल खिली खिली बनती है, मुझे थोड़ी वैसी पसंद नहीं है। और ये इधर रायता भी हो गया है, ये चम्मच में पहुँच कर रख दूँगी क्योंकि छोटी चम्मच लगाऊँगी मैं परसने के लिए। तो गोभी भी बन जाएगी, अब रायता भी बन जाएगा। मैं दिखाऊँगी आपको अपनी जैसे आलू की कचौड़ी कैसे बनाती हूँ, ठीक है? मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। चलो जी, आ गई हूँ मैं कचौड़ी बनाने के लिए। आटा मैंने लगा लिया है, आटा गर्म पानी से लगाया है, थोड़ा सॉफ्ट गूंदा है, ढीला। और थोड़ी बड़ी कचौड़ी बनाऊँगी तो इसलिए मैंने लोई भी बड़ी ली है। और क्या कहते हैं, घर में ही खाना है, कोई घर का कोई बाहर के लोग आते हैं या कहीं भेजनी होती है तो पतली पतली थोड़ी छोटी छोटी बनाती हूँ। और ये मैंने तो देखो बड़ी बड़ी लोई ले रही हूँ, पिट्ठी इसमें भर रही हूँ अच्छे से। और बस क्या कहते हैं, आलू भर के और ये लोइए बना के मैं रख देती हूँ। अगर मैं ज़्यादा बनाती हूँ, त्यौहार होता है तो पहले मैं लोइए बना लेती हूँ बैठ के, फिर एक एक करके उतार लेती हूँ। वैसे मैं सकट पे बनाती हूँ, लेकिन कल मेरी बहू कह रही थी कि मेरी मम्मी ने बनाई है आलू की कचौड़ी। मम्मी कुछ होता है क्या त्यौहार? तो मैंने कहा नहीं, त्यौहार कुछ नहीं होता है, ये तो सर्दियों की चीज़ है, सर्दियों में बना के खा लेते हैं। मैं भी कल को बनाऊँगी तो मैंने आज बना ली। और क्या कहते हैं, मेरा ये आदत है, मैं ये नहीं कि वो बना के भेजती हैं तो मैं उन्हीं के ऊपर रहूँ, मैं खुद ही बना लेती हूँ। देखिए मैं हाथ से बढ़ा रही हूँ क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट रखा था मैंने। हाँ, अगर टाइट आटा होता है तो थोड़ा बेलने में परेशानी होती है, निकल जाती है पिट्ठी, आलू निकलने का रहता है। ये मैंने डाल दी है इसमें कचौड़ी, कढ़ाई रख दी थी मैंने वही गोभी वाली, गोभी निकाल के रख दी और गोभी कढ़ाई मैंने दोबारा से साफ़ करके और वही रख दी थी, जिससे दो कढ़ाइयाँ हो जाती फालतू में। दूसरी मैंने हाथ से बढ़ा ली है और मैं बेलन से भी बढ़ाती हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी कर सकते हैं, पूरी बनाने की जो एक वो होता है गोल चकला सा, उसे बना लेती हूँ। अब ये मैं देख लेती हूँ, रिफाइंड मैंने डाल दिया था। तो ये इन्हीं दिनों के खाने की चीज़ें, गर्मियों में तो खाई नहीं जाती है। देखो सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, तो बना लिया। मुझे बासी तो बहुत ही पसंद है, सकट पे बनाती हूँ। अब तो बहू करा करेंगी जो हाथ जो भी करना है, मैं जो थोड़ी हेल्प कर दूँगी। लोई मैंने इसलिए बड़ी ली है कि बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ बना रही हूँ, और छोटी छोटी बना लो, बड़ी बड़ी बना लो, खुद ही खानी है। कहीं कोई आता है, कहीं भेजनी होती है तो आदमी तरीके से बनाता है, खाने का आदमी कैसे बनाता है। ये मैं हाथ से नहीं, ये मैं बेलूँगी। देखो इससे बेलने से, तो बेलने से बेल के भी अच्छी बन जाती है, तो थोड़ी सॉफ्ट। जो ध्यान रखना पड़ता है कि आलू ना निकल जाए, आलू फट जाती है तो फिर उसमें रिफाइंड भरने का डर रहता है, रिफाइंड भर जाता है फिर खाई नहीं जाती एकदम से। तो ये मैं बेलूँगी बेलने से। कैमरे में थोड़ी और मोटी लोई दिखाई दे रही है, इतनी मोटी थी नहीं वैसे, इतनी मोटी की तो रोटी भी नहीं बनती, लेकिन कचौड़ी में ज़्यादा मोटी भी दिखाई दे रही है, ज़्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है। अब देखिए मैं दिखाऊंगी आपको, कचौड़ी बन गई है और बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा मुझे नमक हल्का लगा था, बस पता नहीं क्यों मुझे हर चीज़ में नमक हल्का लगने लगा। पहले मैं हल्का ही खाती थी, या नमक में कोई बात है, नमक नमक की देखो क्वालिटी की भी बात होती है नमक की। तो बस अच्छी बनी थी, आप भी बनाना कचौड़ी, यही सर्दियों के दिन है, इनमें अच्छा लगता है, दही से रायते से बहुत अच्छी लगती है। तो बस बना रही हूँ मैं, और एंड में मैंने छोटी छोटी बनाई थी। और थोड़ी सी यह है कि खेल, मतलब छोटी छोटी भी बना लो चाहे बड़ी बना लो, मेरी बहू तो बड़ी बड़ी बनाती है वैसे, मैंने बहू के हाथ की भी खाई है, अच्छी बनाती है वो। तो इसमें कैमरे में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैं कचौड़ी आपको दिखाती हूँ। और घी भर जाता है तो फिर बहुत बुरी लगती है ना, तो घी तो नहीं भरा अभी, मैं देखो यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी चिकनाई खिंच जाएगी। देखो कचौड़ी बन गई है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? वीडियो बनाई है मैंने, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।
अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये आज जाड़ों में सर्दियों में जो खाया जाता है वही बनाया है। ठंड बहुत है आज, तो सूरज भी नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल धुंधी धुंध चारों तरफ हो रही है बस। तो मैंने कहा मैं आपसे पर्सनली कह दूं कि मुझे लाइक कीजिएगा चैनल को, कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको एक अपनी अच्छी वीडियो के साथ। कालजी गुंडी मैंने देखो उल्टा पहन रखा है, बिस्तर में लेटी हूँ, सीधा पहनो ना तो रुआ हो जाता है, इसलिए उल्टा पहन रखा है। ठीक है, मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, बाय।